राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण, जो कि पहले रक्षा मंत्री थी, उन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया है। अरुण जेटली ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए किसी भी मंत्री पद से इनकार कर दिया था। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। तो आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह था और आज कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी, जिस बैठक को लेकर और उससे ठीक पहले किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका बंटवारा हो रहा है। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री बनी है। वहीं बात अगर राजनाथ सिंह की करें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनी है, जो कि पहले कैबिनेट में निर्मला सीतारमण थी, लेकिन निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री बनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह जो कि पहले गृह मंत्री थे, अब वो रक्षा मंत्री बन चुके हैं। वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण, जो कि पहले अरुण जेटली थे। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें किसी भी तरह के मंत्री पद को लेने से इनकार कर दिया था। वहीं स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री बनी है। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं बात स्मृति ईरानी की जाए तो बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है, यानी कि विभागों का बंटवारा होना शुरू हो गया है। शाम को पहली कैबिनेट की बैठक है और उससे ठीक पहले जितने भी मंत्री हैं, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा, इस बात का खुलासा हो जाएगा। तो आपको बता दें, सभी विभागों का बंटवारा हो चुका है, सभी विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें हरियाणा के 3 सांसद भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण जो कि पहले रक्षा मंत्री थी, उन्हें निर्मला, और हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। और पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय है। आपको बता रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर को सूचना मंत्रालय सौंपा गया है। तो आपको बता रहे हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। और धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। अमित शाह को गृह मंत्री बना दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे जिन्हें गृह मंत्री बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो कि पहले गृह मंत्री थे, अब वो रक्षा मंत्रालय उनके पास है। और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो सभी विभागों का बंटवारा हो चुका है। और रविशंकर प्रसाद को पहले की तरह ही कानून मंत्रालय का विभाग सौंपा गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। तो बता रहे हैं हम आपको किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री बनी है। आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और आज किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये सामने आ चुका है। तमाम मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं। जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। रविशंकर कानून मंत्री बने हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री बने हैं। आज कैबिनेट की बैठक होगी, नई कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक को लेंगे और सभी मंत्रियों को उनका विभाग सौंप दिया गया है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है। हालांकि वित्त मंत्री पहले अरुण जेटली थे, लेकिन फेरबदल यहां पर किया गया क्योंकि अरुण जेटली ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए किसी भी तरह के मंत्री पद से इनकार कर दिया था। अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। अमित शाह जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री बने हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तो ये तमाम मंत्रियों के विभागों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है नई कैबिनेट में।
अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने हैं। हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री बनाए गए हैं और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। तमाम विभागों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं हम कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। जिसमें आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल मानव संसाधन मंत्री बने हैं, मानव संसाधन विभाग उनके पास है। इसके अलावा राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो एक नई कैबिनेट 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद इस नई लोकसभा की नई कैबिनेट नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह को गृह राज्य मंत्री और इसके अलावा नितिन गडकरी को ये तमाम विभाग हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी को सड़क मंत्री बनाया गया है, सड़क एवं परिवहन मंत्री। और वहीं ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं रविशंकर कानून मंत्री बने हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री बने हैं और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने हैं। जिन जिन मंत्रियों को जगह मिली है इस कैबिनेट में, हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय है। पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन मंत्री बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। वहीं अमित शाह को गृहमंत्री बना दिया गया है। निर्मला सीतारमण जो कि पहले रक्षा मंत्री थी उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। वित्त मंत्री